सदी के महानायक अमिताभ बच्चन हमेशा ही चर्चा का विषय बने रहते हैं। जहां एक ओर अमिताभ बच्चन अपनी फिल्मों को लेकर चर्चाओं में बने रहते हैं, तो वहीं अपने फेमस रियलिटी शो कौन बनेगा करोड़पति को लेकर भी। लेकिन वहीं दूसरी ही ओर अमिताभ बच्चन अपने मोटिवेशनल पोस्ट के लिए भी जाने जाते हैं। ऐसे में देखा जाए तो अमिताभ जहाँ एक ओर मोटिवेशनल पोस्ट के जरिए अपने फैंस को कहीं ना कहीं बड़ी सीख दे देते हैं, तो वहीं ट्रोलिंग का सामना करते हुए भी नजर आते हैं। कभी कभी अमिताभ बच्चन बहुत ही अच्छी बातें कहते हुए तो नजर आते हैं, लेकिन अमिताभ की कई बातें फैंस को रास नहीं आती हैं। दरअसल जानकारी के लिए आपको बता दें कि हाल ही में अमिताभ बच्चन ने रियलिटी शो कौन बनेगा करोड़पति के 12वें सीजन में कुछ ऐसा कहा जिसके चलते उन्हें ट्रॉल किया जा रहा है। सोशल मीडिया पर फैंस उन पर निशाना साधते हुए नजर आ रहे हैं। हाल ही में शो के एक एपिसोड में अमिताभ बच्चन ने कंटेस्टेंट से इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की चीफ इकोनॉमिस्ट गीता गोपीनाथ से जुड़ा एक सवाल पूछा था और उनकी खूबसूरती की तारीफ की थी। ऐसे में देखा जाए तो अमिताभ का ये अंदाज ट्विटर पर यूजर्स को बिल्कुल भी रास नहीं आया है और उन्होंने अमिताभ बच्चन पर सेक्सिस्ट कमेंट करने का आरोप लगा दिया है। गीता गोपीनाथ ने एक वीडियो शेयर किया है और अमिताभ बच्चन इसमें कंटेस्टेंट से सवाल पूछते हुए नजर आ रहे हैं। अमिताभ कह रहे हैं कि इतना खूबसूरत चेहरा इनका इकोनॉमी के साथ कोई जोड़ ही नहीं सकता। इस वीडियो को शेयर करते हुए गीता गोपीनाथ ने लिखा है, मुझे नहीं लगता है कि मैं कभी इसे भूल पाऊंगी। मैं अमिताभ बच्चन की बहुत बड़ी फैन हूँ और ये बहुत ही खास है। वहीं अमिताभ ने रीट्वीट किया है और धन्यवाद कहा है गीता गोपीनाथ जी को। अमिताभ ने लिखा है, थैंक यू गीता गोपीनाथ जी, मैंने शो में आपके बारे में जो बोला है वह बहुत ईमानदारी से कहा है। वैसे में देखा जाए तो अमिताभ बच्चन की ये टिप्पणी अब यूजर्स को बिल्कुल भी पसंद नहीं आई है और सोशल मीडिया पर अमिताभ को ट्रॉल करना शुरू कर दिया है। एक यूजर ने लिखा है, बहुत दुख हुआ, उन्होंने सिर्फ आपके लुक्स की तारीफ की, आपकी उपलब्धि पर उनका ध्यान नहीं गया। मैं दावे के साथ कहता हूं कि अगर स्क्रीन पर रघुराम राजन या फिर कौशिक बसु होते तो वह ऐसा नहीं कहते। खैर, गीता गोपीनाथ आपको बधाई। इतना ही नहीं, यहाँ पर एक यूजर ने लिखा है, आपको नहीं लगता है कि वह यहाँ पर सेक्सिस्ट हो रहे हैं? इतना खूबसूरत चेहरा और इकोनॉमी, इसका क्या मतलब है? वेल, सोशल मीडिया पर लगातार फैंस नाराजगी जाहिर कर रहे हैं अमिताभ बच्चन की इस टिप्पणी को सुनने के बाद। यहाँ पर आप देख रहे होंगे वो तमाम ट्वीट्स जो अमिताभ बच्चन के खिलाफ किए गए हैं। जानकारी के लिए आपको बता दें कि यहाँ पर एक यूजर ने लिखा है, बच्चन शुड जस्ट रिटायर एंड एंजॉय लाइफ। वहीं एक यूजर ने लिखा है, हिज कॉमेंट इज सेक्सिस्ट एंड चीफ इकोनॉमिस्ट ऑफ द IMF इज ओके विद दैट। और इस तरह से सोशल मीडिया पर अमिताभ को जमकर ट्रॉल किया जा रहा है।